चार पीस रेजिस्टेंस है 10 के क्वार्टर वाट में। इस बोर्ड में सारे रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में ही लगेंगे। एक पीस रेजिस्टेंस 39 के, दो पीस रेजिस्टेंस 1 के, पांच पीस डायोड है 1N4007, दो पीस एलईडी है 3mm का रेड और ग्रीन कलर में। एक पीस ट्रांजिस्टर है C9013, दो पीस ट्रांजिस्टर C945 या फिर C1815 लगा सकते हैं। एक पीस प्रीसेट 100K से 220K तक लगा सकते हैं। दो पीस कैपेसिटर है 220 UF 25 वोल्ट में। तीन पीस टू पिन XHB सॉकेट है 2.54mm का। चार पीस टू पिन स्क्रू टर्मिनल है इनपुट और आउटपुट के लिए। दो पीस रिले है 12 वोल्ट 10 एम्पियर में। ये टू पिन XHB कनेक्टर वायर है जिससे कि हम इस बोर्ड में 12 वोल्ट के पावर इनपुट करेंगे। स्पीकर प्रोटेक्शन को टेस्ट करने के लिए आपको दूसरा एक सिंगल वायर लेना है और 12 वोल्ट की प्लस वाले वायर से इसको कनेक्ट कर देना है। ऑन करते पहले प्रोटेक्शन की एलईडी ऑन होगा, उसके थोड़ी देर बाद एक्टिव की एलईडी ऑन हो जाएगा। अभी 12 वोल्ट के प्लस से जो वायर निकाले थे उसको हम हर एक चैनल के इनपुट में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर टच करते कट हो रहा है, यानी सही काम कर रहा है, और दूसरे चैनल में भी टच करते कट हो जा रहा है, यानी सही काम कर रहा है दोनों चैनल ही। एक बार प्रोटेक्शन मोड में जाने के बाद कितनी देर बाद फिर से एक्टिव मोड में आएगा उसको आप इस प्रीसेट को घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने इसको बिल्कुल ही लो कर दिया है, तो अभी हम जैसे ही टच करेंगे बहुत ही जल्दी प्रोटेक्शन से एक्टिव मोड में आ जाएगा। और ठीक इसके उल्टा करेंगे, इस प्रीसेट को घुमा के एकदम हाई कर देंगे तो टच करते कट तो हो जाएगा, पर एक्टिव मोड में आने में इसको बहुत टाइम लगेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई टोन कंट्रोल चाहिए जिसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो, जिसमें NE5532 जैसे IC यूज हुए हो और बहुत ही कम खर्चे में बन जाए, तो आप इस लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप इस राइट वाले वीडियो को क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50W के अंदर आपने इतना छोटा एम्पलीफायर पहले नहीं देखा होगा, जो कि क्लास AB के अंदर है। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।